हाय फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस इज योर होस्ट आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआज वे। आज है 6th of October 2022। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ ओवरनाइट पे। कल डॉलर इंडेक्स आपका ये लेवल से 110.20 से बाउंस बैक किया, और जो बाउंस बैक जहां से किया तो वो लेवल कहां पे है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट में। ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ही फिर बाउंस बैक करके एनगल्फ किया आपका 4th ऑफ अक्टूबर का कैंडल को, एंड अभी है 110.95। व्हाट इट मींस, मींस इनिशियली ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी क्या है कि इसके हाई को तोड़ेगा, यानी 5th अक्टूबर के हाई को तोड़ेगा तो हम थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में सोच सकते हैं, और अगर लो को तोड़ता है तो ये ट्रेंड लाइन की ब्रेक डाउन सिग्नल करेगा, इंडिकेट दैट मींस। दैट मींस व्हाट, आपका कल का जो कैंडल है इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। डॉलर रुपी में हम लोग यहाँ इस टाइप का एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहा है। उल्टा कल 5th अक्टूबर को एक ऊपर की तरफ मूव देखा गया। हालांकि हमारा इंडियन मार्केट ड्यू टू दशहरा मार्केट वाज क्लोज्ड, लेकिन ग्लोबली ऊपर की तरफ देखा गया जो अभी है 81.63। सो हमें अभी ये जो रेंज है ऊपर में आपका 82 और नीचे में आपका 81.20, ये रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। हायर साइड में अगर निकलेगा तो वहां पे वही आरबीआई का डर है, लेकिन नीचे तोड़ेगा तो हमें एक अच्छा खासा रूम मिलेगा सपोर्ट के लिए, जहां पे सपोर्ट काफी दूर होगा, दैट इज 80.00 से 80.30 के बीच में। सो बिलो 81.10 देयर इज ए गुड रूम फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 रुपी डाउनवर्ड मूवमेंट, तो हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। जीबीपी डॉलर में कल आप देखोगे कि ये जो रेजिस्टेंस जोन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये 200 पिप्स का जो रेजिस्टेंस जोन है 1.1440 एंड 1.1640, ये रेजिस्टेंस जोन के अंदर में परसों घुसा था और कल वहां पे रिजेक्ट किया है। हमारा क्या इंटरप्रिटेशन था, यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटीज है, एक ब्लाइंडली ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, दूसरा वाला शार्पली रिजेक्ट करेगा इस लेवल से, और तीसरा वाला कंसोलिडेट करेगा। तो हमें अभी ऑब्जर्व करना है, पहला वाला जो ब्लाइंडली ऊपर जाने का वो निगेट हो चुका है क्योंकि कल एक रेड कैंडल बना चुका है। सो दैट मीन द केस अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या ये कंसोलिडेट करेगा या शार्प रिवर्सल नीचे की तरफ आएगा, रिट्रेसमेंट बोलिए या रिवर्सल्स बोलिए, व्हाट एवर इट मे बी, बट वी नीड टू ऑब्जर्व। तो वी नीड टू गिव सम टाइम हियर टू अंडरस्टैंड हाउ द प्राइस इज बिहेविंग। जीबीपी आईएनआर में भी आपका देखो वही जो रेजिस्टेंस जोन है वहीं पे सलाम ठोक के कल का जो नेगेटिव कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल बनाया, वो यहाँ पे आया। अभी यहाँ पर भी वही 3 प्रोबेबिलिटी, एक डिसरेस्पेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस जोन शार्पली ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तीसरा वाला ये रिजेक्ट करके डायरेक्ट डाउनवर्ड मूव में आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन निगेट हो चुका है, अभी हमें देखना है कि क्या ये दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा है। सो वी नीड टू गिव सम मोर टाइम हियर। यूरो डॉलर में आप देखोगे, यूरो डॉलर में वही कल परसों जो था काफी डीप इनसाइड दिस रेजिस्टेंस जोन आ चुका था, मिडिल ऑफ दिस रेजिस्टेंस जोन में आ चुका था। क्या रेजिस्टेंस जोन था आपका 1.9880 से 1.0080 के बीच में, 200 पिप्स का एक रेजिस्टेंस जोन था, उसका परसों 4th ऑफ अक्टूबर मिडिल तक आ चुका था और कल जो है वहां से निगेट किया है। अभी हमें वही देखना है कि इसके कल के जो नेगेटिव कैंडल का हाई है उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत टाइम पास करता है इन सच सिनेरियो,
ये फिर ऊपर का एंड को चैलेंज करने का दम रखता है। सो हमें देखना है कि क्या करता है। यूरो आयनर में सिमिलरली आपका कल एक अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शन हुआ है, तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा हाई के ऊपर। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 8180 से 8220, इसके बीच में फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। डॉलर येन में कंसोलिडेशन सही हो रहा है, ज्यादा कुछ वॉलेटाइल मूवमेंट्स हम यहाँ पे देख नहीं रहे। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना वायलेंट ब्रेकआउट होने का एक्सपेक्टेशन है। सो हमें यहाँ पे हर रोज अपना तीखी नजर गराए रखना है। येन आइनर में भी वैसा ही कंसोलिडेशन चल रहा है, डेली कंसोलिडेशन। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज्यादा ब्रेकआउट। अभी डायरेक्शन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बिकॉज यहाँ पे हम वी कैन नॉट डिक्टेट कि भाई तू इधर जा या उधर जा, अनटिल अनलेस प्राइस पैटर्न कुछ बोलता है कि यहां से यहां तक जा सकता है। डॉलर कैंडी में परसों के डाउन के बाद कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया। अभी हमें देखना है कि ये जो कल का जो रेंज है उसके हाई के ऊपर थोड़ा सा अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लो के नीचे फिर सेल ऑफ जारी रहेगा। यानी आपका 5th अक्टूबर का जो लो है दैट इज 1.3503, इसके लो के नीचे यानी 1.3490 ले लेते हैं, थोड़ा सा कुशन रख के 12-13 पिप्स का। सो बिलो 1.3490 वी कैन एक्सपेक्ट ए शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 1.32 से 1.3250 के बीच में। ऑसी डॉलर में ये जो आपका 5 बार डाइवर्जेंस बनाया उसके बाद इसके हाई के ऊपर अभी तक जा नहीं पा रहा है, हमें इंतजार रहेगा इस हाई के ऊपर क्लोज देने का। इन सच सिनेरियो हमारा 3 टारगेट ओपन हो जाएगा, एक है 0.6680, दूसरा वाला है अपना 0.6890 एंड तीसरा टारगेट हो जाएगा 0.7122। डॉलर सीएनएच में आपका कल देखोगे एक छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, इसका जो लोकेशन है एट द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। व्हाट इट मींस, इसके लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू रहेगा एंड हाई के ऊपर आपका थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लो के नीचे, कल के लो के नीचे एक यहाँ पे सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 6.90 की तरफ। यूके ऑयल में कल अच्छा खासा तेजी देखा गया, परसों का जो हाई था वो था आपका 92.35 और कल का जो हाई है वो है 93.90। हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होना है वो है 96 के आसपास। इस जगह पे जाने के बाद हमें देखना है कि प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी देखिए, ये जो स्मॉल इनसाइड बार कैंडल बनाया था 4th of October, उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मदर कैंडल के लो के नीचे हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग का जो रिस्क रिवार्ड है अच्छा नहीं है। आप अगर मेरा कल का मॉर्निंग एनालिसिस आप देखोगे वहां पे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड इमीडिएट एक सपोर्ट है आपका 3.48 से 3.50 के बीच में, और कल क्या हुआ, बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके दोबारा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। अभी हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ये जो अभी जो स्विंग हाई बनाएगा, इज इट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई और फेल टू ब्रेक, समथिंग लाइक दिस। यानी ये आपका इमीडिएट स्विंग हाई हो गया जो आपका यहाँ पे है। अभी जो ये अपवर्ड मोमेंटम मूवमेंट दिखा रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट क्या इस स्विंग हाई को ब्रेक कर पाएगा या फेल टू ब्रेक? अगर फेल टू ब्रेक है तो इन सच ए केस अगेन हमें इंतजार होगा ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करने का, तो क्या बनेगा, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस। अभी कुछ हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है कि क्या ये रिसेंट जो स्विंग हाई है एट 4% वहां पे इसको इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है या फेल टू ब्रेक आउट होता है।
दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन. अगर फेल टू ब्रेकआउट है देन ये लो ब्रेकआउट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. जैसे ही लो ब्रेकआउट करेगा इट विल जो 2 अगस्त से आपका कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो बना रहा था यहाँ पे एक विराम आएगा यानी फुल स्टॉप आएगा ये जो हायर हाई हायर लो का एंड उसके बाद ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बनाएगा इन सच ए सिनेरियो. सॉफ्टनिंग ऑफ यूएस 10-ईयर ट्रेजरी का एंटिसिपेट कर सकते हैं लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है हमें इंतजार है one conditions ka. So ye jo daily currency analysis brought to you by Barua's Way, abhi ke liye itna hi. Hope you like this presentations jahan pe humne ek neutral bias rakhne ka koshish kiya without directing ki yahan pe buy karo wahan pe sell karo. और वो जो यहाँ पे बाय वहां पे सेल हमेशा नहीं आएगा बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑन ए डेली चार्ट वीकली चार्ट और मंथली चार्ट. वहां पे कभी कभी ही ट्रेड आएगा हमेशा ट्रेड्स नहीं आएगा. हमें अगर लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में या आवरली बेसिस में जाते हैं तो हमारे ज्यादा ट्रेड मिलने का एक्सपेक्टेशन है. यहाँ पे हमें ट्रेड कॉल देख के किसी को डायरेक्ट करने का इंटेंशन नहीं है. यहाँ पे हमें all the components of currencies which are impacting USD INR usko hum analysis karne ka koshish kar rahe hain and try to see ki market ye kaise behave kar sakte hain. So thank you for watching this particular presentation. Wishing you a very great day ahead. Thank you.